સુલતાનિયા અને નવીન કસ્તુરિયા છે. આ મિથ્યાનું સેકન્ડ સિઝન આવી રહ્યું છે એના માટે છે, જે 1 નવેમ્બરના સી5 ઉપર પ્રેમિયર કરવાનું છે. સેકન્ડ સિઝન, ફર્સ્ટ સિઝન ખબર નહીં કેટલા લોકોએ જોયું છે, બટ આઈ એમ હોપિંગ કે તમે લોકોએ, વેરી ગુડ, તમે લોકોએ સિઝન 2નું ટ્રેલર જોયું હોય તો હવે તમે ક્વેશ્ચન પૂછી શકો. भाई अपने किरदार के बारे में बताइए, इसमें आपका किरदार क्या है? आपने सीजन 1 देखा है? यस. हाँ, तो सीजन 1 में जो मेरा किरदार है, कैरेक्टर है, वही है पैटर राम जूही है, जो भी एक प्रोफेसर है, हिंदी प्रोफेसर है और एक लेखक भी है. और सीजन 1 में जैसे वो प्रोफेसर होती है और अवंतिका उसकी स्टूडेंट होती है, कैसे मिलते हैं और कैसे इनकी दोनों की जिंदगी एकदम एक अलग स्पिन में जाती है. एंड वो डिस्कवर करते हैं एक्चुअली वो खाली प्रोफेसर स्टूडेंट नहीं है, बहने हैं एक्चुअली. एंड सीजन 1 में तो पता हो ही चुका है, सीजन 1 हैज बीन आउट फॉर मोर देन 2 इयर्स. तो अब वही कहानी आगे जाती है और उसी कहानी में अब नए किरदार आते हैं, जैसे नवीन जी ने हमारे शो को नमस्कार, और नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं और हाँ, कैरेक्टर भी बदलते हैं, उनकी ड्रीम्स होप बदलते हैं और सब लोग जो है अब अलग ही एक कश्मकश में है कि अब वो डू और डाई वाली बात है कि अब या तो अब मरना ही पड़ेगा और इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा. तो वो इन सीजन 1 देयर वाज अ इशू ऑफ प्लेजरिज्म ऑफ अ बुक, दैट इशू इज कंटिन्यूड इन. एब्सोल्युटली सर, दैट इशू इज टोटली कंटिन्यूड. आई थिंक प्लेजरिज्म इज अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस एंड इन सीजन 1 you saw how I accused her of plagiarism, and little bit of a spoiler alert, season 2 is maybe that the tables have turned. Means what is uniqueness in this season 2 apart from being a new introduction? Oh, lots of unique things. I think when season 1 jab koi show ka successful ho jata hai, utna pyar milta hai jise hame milna, to aap hamesha koshish karte ho ki season 2 aur bhi behtar hona chahiye. जो चीज़ें लोगों को पसंद आई हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, वो सारी अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए उसमें और कैरेक्टर्स और सस्पेंस और थ्रिल और एक्शन, इसमें काफ़ी एक्शन भी है तो आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे. आई थिंक एंड ऑल्सो इट्स दिस द फर्स्ट सीजन इज इंट्रोड्यूसिंग दीज कैरेक्टर्स, इंट्रोड्यूसिंग दिस वर्ल्ड. नाउ द ऑडियंसेस नो व्हाट एवरीथिंग इज अबाउट, हु दीज पीपल आर. So we have to really drive it higher, have the stakes higher and see where they take us. There were a lot of things that went wrong in these people's lives in the first season. It only goes downhill. But what is that is exactly what's exciting for the audiences to see. Avantika, you have inherited the genes of being a star kid. How was working with Huma, being a pro actor? Was the... Me being whatever has nothing to do with the fact that I was working with an absolute star. Aww. And I was extremely lucky as a newcomer, as a first time actor, to have someone like her to perform with, to work with. Mm-hmm. Because she was the one who showed me the ropes, she was the one who was very okay with someone making silly mistakes, and instead of making me feel bad about it, she made fun of it, which was really good. Because tab aapko lagta hai ki aap ghar mein ho. आपके भाई आपको ऐसे मजाक उड़ाते हैं और ये सब करते हैं तो आपको एकदम कंफर्टेबल फील होता है. एंड दैट्स हाउ आई फेल्ट विद हर. सो आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर को-एक्टर. आई थिंक नहीं, वो सही बात है. चाहे आप इंडस्ट्री किड हो या इंडस्ट्री किड ना हो, काम तो सबको करना पड़ता है, मेहनत भी सबको करनी पड़ती है और मुश्किल भी उतना ही होता है. और ऐसा नहीं है कि मतलब बचपन में आपको कोई भुट्टी पिला दी जाती है कि अच्छा अब आपको सब कुछ आ गया है. तो आई थिंक एंड आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, अवंतिका बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है अपने काम को लेके, तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर आई थी और उनको लगा था कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए एंड आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड. सो आई यूज टू ऑलवेज कीप पुलिंग हर लेग कि चल इट्स ओके, गलती हो भी जाती है तो सॉरी बोलने का और आगे करने का. आई थिंक दैट्स व्हाट वी डिड रियली. हुमा जी, यू हैव डन एवरीथिंग ऑन द ब्लॉग, दैट मीन्स यू हैव डन मॉडलिंग, यू हैव डन टीवी शो, कमर्शियल एड्स, Tamil films, South Indian films, you have done music video films, web series. कुछ ऐसा है जो आपके जहन में हो कि ये बाकी रह गए? ये गुजराती फिल्म. I was about to ask that only. Yeah, I'm sitting in Ahmedabad, so why not? I think नहीं, I'm very greedy as an actor. I feel मेरे को सब कुछ करना है
एंड मुझे बचपन से ये आदत है कि जब मुझे कोई चीज़ बोली जाती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, मुझे लगता है क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज आई बचपन से आई बीन अ रीडर, सो मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ अबाउट अदर पीपल कि कैसे वो बिजनेसेस करते हैं या कैसे वो कोई अचीवमेंट करते हैं, कोई एथलीट. तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी लोगों ने हमारे आसपास या हम जो पढ़ते हैं अखबारों में या टीवी पे देखते हैं, वो सब जब कुछ जो हासिल कर पाते हैं, किसी मकाम पे पहुंचते हैं, वो सब इंसान के ही बच्चे हैं. तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. सो आई फील लाइक एज एन एक्टर ऑल्सो आई एम वेरी ग्रीडी. आई वॉन्ट टू वर्क विथ एवरीबडी. आई वॉन्ट टू वर्क इन ऑल द इंडस्ट्रीज, यू नो, एंड आई एम लकी दैट आई गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड गेट टू वर्क विद सच अमेजिंग वंडरफुल पीपल, एक्टर्स. एक और वेब सीरीज जो आपने की है सर, अभी ये लोग और कोई बात नहीं आपने एक आपने एक और सी वेब सीरीज की है महारानी. दैट रोल इज एन अर्बन रूरल वुमन और ये रोल पूरा अर्बन है. हाउ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग वाज डूइंग बोथ द रोल्स, बोथ द डिफरेंट कैरेक्टर? बोथ आर वेरी डिफिकल्ट क्योंकि दोनों ही मैं नहीं, ना तो मैं वो अनपढ़ बिहार की महिला हूँ जिसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और ना ही मैं कोई हिंदी की प्रोफेसर हूँ. मैं हूँ और मगर जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपना और थोड़ा सा लेखक का, थोड़ा डायरेक्टर का, थोड़ा बाकी लोगों का इसमें डाल सकूँ. इसलिए हर कैरेक्टर यूनिक होता है, यू नो. आई थिंक अगर दो एक्टर्स को सेम, कोई शेक्सपियर का रोमियो जूलियट में अगर सबको दो एक्ट्रेसेस को, मुझे अवंतिका को जूलियट का रोल दिया जाए, तो हम दोनों बहुत अलग अपने तरीके से करेंगे. कैरेक्टर वही रहेगा बट उसका जो उसमें रंग आप भरोगे. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत मजा आता है कि 2 इट्स कमिंग ऑन द 1st ऑफ नवंबर ऑन Z5. से समथिंग अबाउट मिथ्या एंड योर रोल. मिथ्या 2 द डार्कर चैप्टर, इट्स मोर थ्रिलिंग, इट्स एजियर, इट्स लॉट मोर एक्शन, लॉट मोर क्रेजीनेस, एंड वी कांट वेट टू हियर व्हाट ऑल ऑफ यू थिंक. नहीं जी. Yeah guys, please watch Mithya 2. It's coming out on the 1st of November. Diwali bhi manaiye Mithya ke saath, hum sab ke saath. Saath mein chill karenge. Aur Z5 ke dekhiye, please. Happy Diwali. Thank you. Thank you guys.